हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। माय नेम इज़ हरीश ओझा। पिछली वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग होती क्या है। इस इंडेक्सिंग में आपकी स्टार्टिंग जीरो से होते हुए जितने आपके वेरिएबल हैं उससे एक कम होती है आपका। आप जानते हैं, अगर मान लो जितनी आपने वैल्यू दी है, मैंने बोला आपने कि एक स्ट्रिंग में मैंने जैसे पाइथन एक स्ट्रिंग है जिसमें आपके कितने आपके कैरेक्टर्स हैं, सिक्स। तो इसकी लास्ट जो कैरेक्टर होगा वो फाइव पोजीशन पर बैठा होगा आपका, और जीरो से स्टार्टिंग होती है क्योंकि इसकी। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग एंड जिसको बोलते हैं सिलेक्टिंग सब सीक्वेंसेस, स्ट्रिंग स्लाइसिंग जिसको बोलते हैं सिलेक्टिंग सब सीक्वेंसेस होता क्या है। व्हाट इज मीन ऑफ स्ट्रिंग स्लाइसिंग एंड सिलेक्टिंग सब सीक्वेंसेस। देखिए, जैसे सपोज करो मेरे पाइथन नाम का एक है ना वैल्यू है, जो मैंने एक वेरिएबल के अंदर लेंथ का नाम के एक वेरिएबल है उसके अंदर मैंने पुट अप कर दिया। यहाँ पे p की वैल्यू आप जानते हैं 0, 1, 2, 3 होते हुए पूरी 5 तक जा रही है। माइनस में जानते हैं आप, तो माइनस से माइनस के 6 तक जाती है आपका। जब मैं प्रिंट करता हूँ इस चीज को, तो आप इसकी वैल्यू को आप जानते हैं कि इसका आउटपुट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए, पाइथन और सैंपल 2। ओके, जैसे मैंने इसको रन किया तो इसका आउटपुट देखें आप, पाइथन शो हो रहा है आपका। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ आपका, आपको क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए, फिर से मैं चलता हूँ आगे। यहाँ पे देखिए, जब मैंने इसको पाइथन लैंग्वेज प्रिंट किया तो ये आ गया आपको आउटपुट। यानी कि अपन क्या कर रहे थे, जब अपन को पाइथन पूरा चाहिए तो अपन को सिर्फ ओनली लैंग टाइप करना पड़ रहा है, और जब हमको पाइथन किसी एक कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर को स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करना है तो हम उसको उसके इंडेक्सिंग के द्वारा कॉल कर रहे थे। जैसे मैं पी चाहता हूँ तो जीरो इंडेक्सिंग दे दी। अगर मैं आपका 3 पे इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मेरे को 3 मिल गया। यानी कि मेरे को मिल रहा है, पूरा मिल रहा है, पूरी वैल्यू मिल रही है पाइथन, या मेरे को एक एक कैरेक्टर मिल रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे को पूरा कैरेक्टर ना मिले। मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे को कैरेक्टर मिले सिर्फ टुकड़ों में, जैसे मैंने बोला 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर, या फिर स्टार्टिंग से ना लेकर सिर्फ ओनली 3 कैरेक्टर चाहिए। मेरे को कुछ मल्टीपल टुकड़ों में कैरेक्टर चाहिए, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं इन सबको भी अनकमेंट करता हूँ। ओके, अब इस लाइन को मैं देखो जो वो इस लाइन को मैं अनकमेंट करता हूँ। अब आप कहेंगे कि मैंने यहाँ से इसको अनकमेंट क्यों किया, मैं आपको बता रहा हूँ इसका कारण क्या है आपका। सुनिए, आपका एक होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग यानी कि आपने कभी भी पिज्जा खाया हो तो उसमें स्लाइस निकालते हैं, छोटे टुकड़े निकालते हैं आपके, ठीक है। अगर किसी मतलब मेरे को एक टुकड़ा चाहिए, दो टुकड़े चाहिए, दो पीसेस चाहिए, स्लाइस चाहिए आपका, तो आप दे देते हो उसको आपका। यहाँ पे देखिए, आपका ऐसे ही यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज करते हैं स्ट्रिंग, जिसमें आपका पहला आर्ग्यूमेंट, और स्लाइसिंग की स्टार्टिंग ब्रैकेट से करते हैं, ब्रैकेट से आपका स्लाइसिंग की स्टार्टिंग होती है, एंडिंग होती है आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो पहला आर्ग्यूमेंट जाता है वो है आपका स्टार्ट आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे देखिए आप, ये ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है आपका लैंग्वेज में। पहले लैंग्वेज में देखो ब्रैकेट वही लग रहे थे, फर्स्ट फर्क इतना कि इसमें कॉलन बीच में आ गया। क्या कॉलन, यानी कि पहला आर्ग्यूमेंट होता है आपका स्टार्ट आर्ग्यूमेंट, एंड आपका लास्ट आर्ग्यूमेंट होता है आपका स्टॉप आर्ग्यूमेंट। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो स्टॉप आर्ग्यूमेंट -1 होता है आपका। क्यों इसका कारण आप मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब मैं इसको रन करता हूं तो आपका आउटपुट आएगा आपका HON, बिकॉज ऑफ थर्ड पे कौन है। आपको मैं एक चीज स्प्लिट विंडो के द्वारा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, पाइथन पे जाइए आप, ऊपर टॉप पे स्प्लिट किया विंडो, मैंने यहाँ से स्प्लिट किया, यहाँ से स्प्लिट करके यहाँ पे देखो पाइथन कौन से कैरेक्टर पे आप बताओ, यहाँ पे थ्री पोजीशन कौन है आपका, एच, और 3 से चलते हुए आपका कहाँ तक चलेगा, 6 तक। आपका वो 6 तो है नहीं है, लेकिन तभी तो मैंने बोला आपका 1-1 चलता है, 1-1 चलता है। देखो 6-1 चलता है ना, स्टॉप आर्ग्यूमेंट 6-1 आपका, हाँ, इसीलिए आपका 6-1 चलता है आपका, समझ रहे हैं आप। तो नेक्स्ट देखिए आपका, कि नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है आपका, इसका आउटपुट आप स्वयं बताएंगे, मेरे को खुद बताएंगे आपका। अच्छा, आप बताइए -3 क्यों लिखा है, -3 पोजीशन में कौन बैठा हुआ है, इसमें बताइए आप, H कौन बैठा हुआ है, H -3 पोजीशन में कौन बैठा हुआ है आपका, H, और -3 से कहां तक चल रहे हैं आपका, 6 तक। तो -3 पे कौन बैठा हुआ, H, और जाना कहां था, 6 तक। 6 कहां है आपका, यहां पे, अगर 6 नहीं है तो 6 से एक कम -5, यानी कि HON। नहीं समझे आप, देखो फिर से बताता हूँ मैं आपको। 3 मतलब हुआ आपका स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट, यानी कि स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। कौन से 3 से, प्लस के 3 से, माइनस के 3 से, मैंने बोला प्लस के 3 से कर रहे हैं अपन लोग, और प्लस के 6 तक। प्लस के 6 कहाँ है, इस साइड आगे बढ़ रहा है, प्लस का 6 देखो बढ़ रहा है आगे, 5 और 6, और 6 से कम मतलब 5, यानी कि अपरेंट हुआ आपका HON। अब यहाँ पे स्टार्टिंग सेकंड वाली लाइन में स्टार्टिंग कैसे हो रही है, माइनस के 3 कहाँ आपका, ये रहा, ओके, और कहाँ जा रहा है, 6, प्लस का 6 ही हो, और प्लस का 6 कहाँ जाता है आपका, नीचे की ओर मतलब यहाँ पे होगा प्लस का 6, और हालांकि प्लस का 6 तो एक कम लेते हैं आपको पता है, तो माइनस के 3 है,
यानी कि एच प्रिंट होगा, ओ प्रिंट होगा, नीचे आएगा एन प्रिंट होगा आपका, समझ गए। तो यहाँ पे भी आपका एच वन करके आपका आउटपुट आएगा। इसको रन कर रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा, देखो दोनों में एच यू एन आया आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका थर्ड, जिसमें कहता है मैं इसको कमेंट करता हूँ मैं दोनों को। और थर्ड वाली लाइन, ये थर्ड वाली लाइन क्या कह रही है आपका बताओ, यहाँ पे स्टार्टिंग किससे, माइनस के वन से। तो माइनस वन कहाँ है आपका, मैंने वाला माइनस वन ये रहा आपका, ओके ये रहा। तो माइनस वन कौन बैठा हुआ, एन, कौन बैठा हुआ एन, तो उसने सबसे पहले एन प्रिंट किया। अब वो कहाँ तक चलना है इसको, सिक्स तक, कहाँ तक चलना है इसको, सिक्स तक, तो सिक्स, और लेकिन सिक्स तो, और सिक्स से एक कम, सिक्स से इसका मतलब यहीं तक ही, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं पे खत्म हो गया, यानी कि ओनली एन प्रिंट हो गया, समझ गए। इसलिए यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, एन, ये देखिए। हालांकि आप रन कीजिएगा, मैंने सबके आउटपुट इसके सामने रखी है, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो मैंने सबके आउटपुट सब इसके सामने लिख रहे हैं, देखो थ्री, थ्री से स्टार्टिंग हुई, थ्री से स्टार्टिंग हुई, देखो थ्री का है, जीरो तो जेरा, वन जेरा, टू जेरा और थ्री, थ्री से स्टार्टिंग हुई। और कहाँ तक जा रही है एंडिंग इसकी, एंडिंग जा रही है, इसमें तो मैंने राइट की ही नहीं एंडिंग, क्योंकि इससे कारण बताऊंगा, जहाँ पे एंडिंग लिखी नहीं होती, मैं बाय डिफॉल्ट सबसे एंड तक जाती है वैल्यू, बाय डिफॉल्ट सबसे, जहाँ पे मैं वैल्यू कुछ ना लिखूँ एंडिंग वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट सबसे एंड में जाएगा। सबसे एंड वेरिएबल कौन सा आपका, एन, कौन है आपका एन, तो एन तक प्रिंट कर देगा, यानी एच ओ एन, थ्री से स्टार्ट हुए, थ्री से स्टार्ट हुए एच ओ और एन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, पाइथन, नेक्स्ट आपका पाइथन क्यों आया पूरा बताओ, कारण बताओ, क्योंकि स्टार्टिंग आपने बताई नहीं है और एंडिंग भी आपने बताई नहीं है। जब ऐसा हो ना तो आपने सिंपली, यानी कि आप वो स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट जीरो से करेगा और एंडिंग लास्ट तक, यानी कि स्टार्टिंग पूरी इनिशियल पोजीशन से करेगा, इनिशियल कैरेक्टर से, और लास्ट कैरेक्टर तक आपका प्रिंट करेगा आपका। आप इसको इस तरह से भी लिखाओगे ना, इस तरह से, यहां से ऐसे करके मैं कमेंट करता हूं, तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा आपका, आप जानते हैं इसका आउटपुट भी क्या होगा आपका, पाइथन, देखो इसका आउटपुट पाइथन आ रहा है, देखो आ रहा ना आपका, दोनों का सेम आउटपुट आ रहा है, चाहे ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, तो आप समझे इस बात को। मैं आगे नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे ओ एन लिखा हुआ है, इसका बताओ इसका क्या होगा आउटपुट आपका, बताइए, मैं इन सबको अनकमेंट करता हूँ, बताओ। यहाँ पे लिखा है माइनस के टू, यानी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, माइनस के टू से, बताओ यहाँ माइनस के टू कौन पे है, ओ बैठा हुआ है माइनस के टू पे आपका, स्टार्टिंग हो, एंडिंग कहाँ तक होगी बताओ, कोई डिफाइन नहीं है, तो एंडिंग नीचे तक होगी पॉजिटिव, जब कोई डिफाइन नहीं होता ना, तो बाय डिफॉल्ट एंडिंग नीचे तक टॉप रहेगी, तो ओ और एन। अब आप कहोगे नहीं नहीं माइनस में नेगेटिव जाना चाहिए, यानी कि एंडिंग यहाँ से माइनस के टू होनी चाहिए, तो एंडिंग यहाँ पे होनी चाहिए सिक्स तक, नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं लगा, क्या यहाँ पे माइनस की वैल्यू दी है कि मैंने, नहीं दी ना आपका, अपोजिट डायरेक्शन कैसे जा सकती है आपकी वैल्यू है, तो ये पोजिशन है, यहाँ पे ये माइनस का साइन देख रहे हैं आप, ये पोजिशन है ना कि ये आपको डायरेक्शन शो कर रहा है, ये पोजिशन बता रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे से पोजिशन बताते हैं माइनस के टू और कहाँ तक जाना, एंड तक जाना है, यानी कि एन तक आपका, ये देख रहे हैं आप 5n तक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट है माइनस के वन, स्टार्टिंग आपको पता नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग कहाँ से होगी आपका, जीरो से, यानी कि p से, ओके। एंडिंग क्या, माइनस वन, माइनस वन कहाँ पे है, एन, यहाँ पे माइनस वन। अब मैं आपको बताऊँ माइनस के वन, मैंने आपको पहले बताया था कि माइनस के वन तो ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट माइनस वन अपनी साइड से करो। अच्छा आप बताओ माइनस के वन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे माइनस के वन और बाय डिफॉल्ट अपनी साइड से फॉर्मूले में कहता है माइनस के वन, फॉर्मूले में देखो माइनस के वन, देखो एंडिंग आर्ग्यूमेंट माइनस के वन, स्टॉप आर्ग्यूमेंट माइनस के वन होता है ना, तो ऐसी मैंने क्या किया यहाँ पे भी यही किया आपका, स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट मतलब स्टॉपिंग आर्ग्यूमेंट क्या है माइनस के वन, और उसने सिर्फ एक माइनस कर दिया, तो टोटल इक्वल करके कितना हुआ आपका माइनस के टू, तो माइनस के टू तक वो प्रिंट करेगा, यानी कि माइनस के टू तक मतलब यहाँ तक प्रिंट करेगा। आप तो सीधे कहिए कि एक आर्ग्यूमेंट पहले प्रिंट करेगा, सीधे आप कहिए एक आर्ग्यूमेंट आपका पहले प्रिंट करेगा आपका, यानी कि आएगा सिर्फ ओनली पी वाई टी एच ओ ही आएगा आपका, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आपका माइनस के थ्री, माइनस के थ्री यानी कि स्टार्टिंग आर्गुमेंट तो आपको पता है पी से होगा आपका पी वाई, और माइनस के थ्री लिखा हुआ है, तो माइनस के थ्री कौन बैठा हुआ है आपका एच बैठा हुआ है, तो एक लेटर पहले मतलब टी प्रिंट करेगा आपका, यानी कि पी वाई टी, देखो पी वाई टी आ रहा है आपका आउटपुट। नेक्स्ट देखो आपका माइनस जो जियो से स्टार्ट हुआ है, आपका लिखा नहीं है लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट जियो से स्टार्ट होगा, और माइनस के फाइव तो चलेगा, यहाँ पे जीरो का ये रहा और माइनस के फाइव क्या ये पोजिशन है आपका वाई की पोजिशन, हाँ, और y की पोजीशन से एक कम मतलब यहाँ पे, यानी कि p का p प्रिंट हो जाएगा, ओनली p का p ही प्रिंट हो जाएगा आपका, ये देखिए आपका p का p ही प्रिंट हो रहा है आपका। नेक्स्ट देखिए आपका कि 2 लिखा हुआ है, हाँ स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं 2 से, 2 मतलब ये t से, 2 मतलब t से आपका, और जा कर रहे हैं माइनस के 1 तक, माइनस वन का आपका ये रहा माइनस वन, यानी कि टी एच और एक पोजिशन का माइनस वन से, तो ओ टी एच ओ नहीं आया समझ में आपको, ओके। नेक्स्ट प्रिंट लैंग्वेज में देखा आपका 4 से स्टार्टिंग हो रही है, माइनस के 1 तक जा रही है, 4 कहाँ आपका ये रहा मतलब ओ, और माइनस के 1 और 1 का मतलब माइनस के 2,
तो यानी कि ओ का ओ ही प्रिंट हो जाएगा आपका, ये आप समझ गए आप इस बात को। तो इस तरह से स्ट्रिंग की आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं आई वीडियो समझ में आता तो दोबारा समझ सकते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं और से और वीडियो डालूंगा आपका। तो आज के लिए सिर्फ इतना।